हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चीकू के प्लांट किस तरह से लगाया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, हम यहाँ पर एक अच्छे से वैरायटी का चीकू का प्लांट नर्सरी से बाय किया है। इस प्लांट को हम जमीन में लगाएंगे, किस तरह से लगाया जाता है सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, हम जमीन पर इस तरह से एक सर्कल बना लिया है। इसके अंदर ही हम मिट्टी को खोदकर और आगे की प्रोसेस बताएंगे किस तरह से चीकू का प्लांट लगाएंगे। सबसे पहले जमीन पर आप जिस जगह चीकू का प्लांट लगाना चाहते हो उस जगह इस तरह से एक सर्कल बनाकर मिट्टी को खोद लेना है 1 से 1.5 फीट तक। आप वीडियो में देख सकते हो, हम मिट्टी को खोद रहे हैं और फिर सारे मिट्टी को हम निकाल लेंगे, एक साइड में रखेंगे। आप अगर अपने घर में चीकू का प्लांट लगाना चाहते हो, बस कुछ ही स्टेप आपको फॉलो करना होता है। इस तरह से प्लांट को लगाने से आपको अच्छे से फ्रूट मिलेगा। अभी हम कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ गोबर की खाद देकर इस प्लांट को लगाएंगे। आप गोबर की खाद या फिर कोई भी कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर मिट्टी के साथ गोबर की खाद मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो, हम अब गोबर की खाद मिक्स करेंगे और अभी कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोबर की खाद डालने के बाद अच्छे तरह से मिक्स करना होगा, फिर सारे मिट्टी उस खड्डे में फिर से डाल देना होगा। आप वीडियो में देख सकते हो जिस तरह से हम कर रहे हैं। यह है हमारा चीकू का प्लांट। अब हम पॉलीबैग को निकालेंगे। पॉलीबैग को निकालने से पहले आप देख सकते हो, उंगली की मदद से हम एक गड्ढा खोद रहे हैं। इस गड्ढे में ही हम प्लांट को बिठाएंगे। प्लांट का जो मिट्टी है उस हिसाब से आपको गड्ढे को बनाना है। खोदा हुआ जो मिट्टी है उसकी बिल्कुल सेंटर में प्लांट को बिठाएंगे। प्लांट का जो पॉलीबैग है उसको इस तरह से पीछे से निकालना होगा। अब वीडियो में देख सकते हो, अब प्लांट को लेकर उस गड्ढे के अंदर इस तरह से बिठाना होगा, फिर चारों तरफ से मिट्टी से टाइट करना होगा। अब वीडियो में देख सकते हो जिस तरह से हमने किया है। प्लांट को मिट्टी के ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। अब वीडियो में देख सकते हो, प्लांट का जो मिट्टी है और मिट्टी का लेवल बराबर रहना चाहिए। जो ग्राफ्टेड जॉइंट है वो मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो प्लांट मर सकता है। इस तरह से मिट्टी को टाइट करने के बाद अब हम इसमें पानी देंगे। अब हमें और कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही रखना होगा। जब प्लांट का मिट्टी सूख जाएगा तब इसमें पानी देना होगा। इस वीडियो का अपडेट हम जरूर लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।